हरे कृष्णा। तो हम अभी आरंभ करेंगे पाठ चार, इस्कॉन गुरु, उनकी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए। इसके पहले हमने चर्चा की कि आदर्श शिष्य में कौन से गुण होते हैं। तो किसी को लग सकता है ये तो ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त बनने के जैसा ही है, इतने सारे गुणों का विकास करना। ऐसे नहीं है, हम प्रयास करेंगे तो धीरे 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 इन्हीं गुणों का विकास करते करते हम एक दिन शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं से शुरू करना है हमको। हम ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इतने सारे नियम, इतने सारे गुण। तो प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, ये बहुत सुंदर कोट है प्रभुपाद जी का, इसीलिए हमें इस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए जिससे कि हम अपनी बुद्धि एवं मन को स्वस्थ रख सके, ताकि हम कठिनाइयों से भरे जीवन में अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख सके। इस प्रकार एक विचारशील व्यक्ति को सही एवं गलत में भेद को जानते हुए कार्य करना चाहिए और इस तरह जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। तो हमें पहले पता रहना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, फिर मुझे कहाँ जाना है, और उसके बीच में आने वाले स्टेजेस, स्तर कौन कौन से हैं। तो यह यथार्थ ज्ञान अगर हो जाए तो हमें दृढ़ता तथा उत्साह या कार्यशीलता अपने आप आ जाएगी। तो जो शिष्य के गुण हमने वर्णन किए, उनका विकास करते 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 जब एक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तो उसे गुरु कहते हैं। यानी गुरु कौन होता है? एक आदर्श शिष्य। जो एकदम आदर्श शिष्य है अपने गुरु का, वही व्यक्ति गुरु बनने के लायक होते हैं। तो इसीलिए यह गुरु शिष्य परंपरा का जो मापदंड है ये बहुत सुंदर है। क्यों हम हमारे गुरु के प्रति समर्पण दिखाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के प्रति ऐसा समर्पण दिखाया है, उन्होंने अपने गुरु के प्रति दिखाया है, उन्होंने कृष्ण के प्रति दिखाया है। तो यही हमारे समर्पण का मूल कारण होता है। इसीलिए इस्कॉन में अगर हम गुरु का चुनाव करना चाहते हैं, चयन करना चाहते हैं, या हम उनके गतिविधियों को समझना चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आदर्श शिष्यत्व का एक उत्तम उदाहरण। तो यहां पर इस पाठ में इस्कॉन गुरु जो होते हैं उनको दो प्रकार की जिम्मेदारियों को संभालना पड़ता है। एक है उनकी प्रशासकीय या इस्कॉन से संबंधित जिम्मेदारियां, तथा उनकी अनुयायियों से संबंधित या अपने शिष्यों से संबंधित जिम्मेदारियां। ये दोनों जिम्मेदारियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इसमें से कोई भी एक आप दूसरों के बल पर नहीं कर सकते, मतलब दूसरों का निग्लेक्ट करके नहीं कर सकते। कोई ऐसे नहीं कह सकता गुरु कि मैं शिष्यों का ख्याल रखने में इतना मशगूल हूं कि मैं इस्कॉन के प्रति कुछ कार्य नहीं कर पा रहा हूं, या मैं इस्कॉन के प्रति कार्य करने में इतना मशगूल हूं कि मेरे शिष्यों को देख नहीं पा रहा हूं। ये दोनों का समन्वय करना और इनको साथ साथ लेकर चलना ये बहुत बड़ी कसौटी होती है। और इसीलिए इस्कॉन के गुरुओं की मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए इन दोनों स्तरों पर, इसको हम विस्तार से देखेंगे। इस्कॉन गुरु की मनोवृत्ति श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति कैसे होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? आप समझते हैं मनोवृत्ति, मानसिकता, मेंटालिटी कैसे होनी चाहिए? प्रभुपाद जी के पदचिन्हों पर चलना चाहिए, प्रभुपाद जी के शिक्षाओं का एक जीता जागता उदाहरण होना चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा कोई अन्य बताना चाहेंगे? यस, ओके। प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित रहना चाहिए, प्रभुपाद जी को शरणागत होने चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। यस,
रूपा जी के स्थान को यथारूप अपने और अपने अनुयायियों के हृदय में बनाए रखना चाहिए। प्रभुपाद जी के मिशन के प्रति उनका बहुत लगाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी के जो इच्छाएं हैं, प्रभुपाद जी के जो मिशन स्टेटमेंट्स हैं, सात उद्दिष्ट हैं, उनको पूरा करने में उनका जीवन समर्पित रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी दूसरा विषय है इस्कॉन गुरु की मनोवृत्ति। इस्कॉन के अंतर्गत प्राधिकारिक संरचना के प्रति कैसी होनी चाहिए, अभी हम इसके लिए थोड़ा ये चार्ट देखेंगे, क्योंकि वरना कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। इस्कॉन के गुरु एवं इस्कॉन के अधिकारी, आप समझ रहे हो इस्कॉन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर, व्यवस्थापकीय संचालन होता है, और इस्कॉन का मूल उद्दिष्ट है आध्यात्मिक प्रचार प्रसार इत्यादि। तो अगर कोई व्यक्ति, उसके पास बुलेट है, बंदूक की गोली है, लेकिन बंदूक नहीं है, और उस बुलेट को हाथ में लेके आपको कहता है हैंड्स अप, मार दूंगा, हाथ उड़ाओ, तो आप बोलेंगे मारो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसी बुलेट को अगर वो बंदूक के अंदर डाल के बोलेगा आपको हैंड्स अप, तो आप क्या करोगे, बोले बोलो करो, बोलो भाई क्या करूँ अभी मैं। आध्यात्मिकता वो बुलेट का सब्सटेंस है, वो गोली है, लेकिन प्रशासकीय यंत्रणा जो होती है, खास करके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम जब प्रचार करने जाते हैं, वो एक बंदूक के समान होते हैं। दोनों जरूरी है। आप देखिए, अभी हम जब बाहर जाते हैं और लोगों को बोलते हैं हम इस्कॉन से आए हैं, तो तुरंत लोग कहते हैं ठीक क्या करें। तो हम बताते हैं कि हमारी जन्माष्टमी आ रही है, आप खुद आइए, परिवारजनों को लाइए, आप डोनेशन दीजिए इत्यादि। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एक विशिष्ट प्रकार की भावना है कि इस्कॉन क्या है और इस्कॉन का कार्य क्या है, तो उसके द्वारा प्रचार कार्य कितना आसान हो जाता है। अगर हम अकेले जाते थे और उनको बोलते थे आप हरे कृष्ण जप कीजिए, तो लोग बोलते तुम कौन है, तो हमको पहचान भी नहीं दिखाते थे। तो दोनों जरूरी है, है ना? क्या कहा मैंने, बंदूक की गोली और बंदूक में महत्वपूर्ण क्या है? दोनों महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं कि एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन बंदूक की गोली ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो है तो बाकी सब उसी के लिए बंदूक है। तो इस्कॉन में आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करना चाहते हैं हम, और उसको अगर व्यवस्थापकीय रूप से अच्छे से करें तो मास स्केल जनसाधारण तक पहुंचने के लिए, हर एक भक्त जब साथ में आते हैं और इतना सारा हम मेहनत करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर, उसका जो इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो बहुत गहरा होता है। अकेले से जाकर हम करना चाहेंगे यही कार्य, सोचो आपको अकेले को बला दिया रथ यात्रा तुम मनाओ, और कुछ इस्कॉन वगैरह कुछ भक्त वगैरह पिक्चर में नहीं है, और आपको बोला रथ यात्रा मनाओ, तो आप किस तरह की रथ यात्रा मनाओगे? लेकिन हम लोग जब साथ में आकर प्रशासकीय यंत्रणा को चलाते हैं, भक्तों में सेवाएं बांटते हैं, सब लोग साथ में आते हैं, तुम ये करो तुम वो करो, मेरे इन चीज़ों में माहिर हूँ मैं, वो करूँगा, इनमें मैं वीक हूँ, तुम इसमें मुझे मेरी मदद करो, तो इस तरीके से जब होता है तो एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है उस चीज़ का। तो दोनों जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रशासकीय यंत्रणा जो होती है, प्रशासकीय यंत्रणा मतलब क्या है, तो श्रील प्रभुपाद के बाद है जीबीसी, जीबीसी के बाद है स्थानीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी मतलब जैसे टेंपल प्रेसिडेंट इत्यादि, फिर उनके बाद होते हैं नामहट्ट भक्ति वृक्ष संचालक या काउंसलर या जो भी, काउंसलर नहीं कहेंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उस विशिष्ट स्थान को देखने वाले अधिकारी व्यक्ति, और उनके अंडर होते हैं गृहस्थ भक्त या ब्रह्मचारी भक्त या शिष्य, है ना? तो ये क्या है बीच वाला, ये व्यवस्थापकीय संरचना इसे कहते हैं। अभी जो गुरु सेवा कमेटी है जो गुरु को नियुक्त करती है, और संन्यास मंत्रालय है, संन्यास मिनिस्ट्री जो सन्यासियों को नियुक्त करती है, ये दोनों इन लोगों के जीवन में दखलंदाजी कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से, आध्यात्मिक स्तर पर। वो मैनेजरियल डिसीजंस जो होते हैं लोकल स्थानीय लेवल पर लिए जाने वाले, उसमें दखल अंदाजी तभी कर सकते हैं जब ये व्यवस्थापकीय लोग उनकी उनको मांग करते हैं कि आप हमें मदद कीजिए या हमें आप
बताइए क्या करना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये दोनों जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, इस्कॉन ऑफिस है कि घर है? ऑफिस बाहर है, घर अंदर है, या घर बाहर है ऑफिस अंदर है? सोचो, सोचने की बात है। हाँ, बाहर से दिखने में ऑफिस के जैसा दिखते हैं हम, लेकिन अंदर जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो हमें घर है, एक बहुत बड़ा कुटुंब है हमारा। हम बाहर हमारा जो प्रचार कार्य इत्यादि करने के लिए हम ऑफिशियल लेवल पे कार्यरत रहते हैं, हम परमिशंस लाते हैं और लोगों से मिलते हैं या पैसे की बात करते हैं या जो भी सेवाएं अर्पण करते हैं समाज के लिए, तो फूड फॉर लाइफ या किताब पुस्तक वितरण, तो वो सारा क्या है, वो बाहरी दिखावा दिखता है कि अरे ये लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड है जो काम करते हैं उसमें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तविकता में मंदिर के अंदर आता है, भक्त बन जाता है, तो उसको समझ में आता है अरे इधर तो बड़ा फैमिली है एक, और मैं भी इसका एक सदस्य हूँ और मेरा सारा ख्याल रखा जाता है ना, शारीरिक स्तर पर, भावनिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर, नो प्रॉब्लम, खुश रहो। तो ये इस्कॉन की विशेषता है। तो दोनों जरूरी होता है, क्योंकि इस्कॉन एक मिशन है। इस्कॉन केवल कोई ऐसे बाबा जी लोगों का समुदाय नहीं है जो अपना अपना जप करते हैं और उनको दूसरा कुछ काम नहीं है, आत्म साक्षात्कार करो, भगवद्धाम चले जाओ, ये छोड़कर दूसरा कार्य नहीं होता, तो हम ऐसे कर सकते थे। लेकिन हमारे गुरु ने क्या आदेश दिया है? प्रचार करो। ये संस्था का जो सिद्धांत है उसको अन्य लोगों तक पहुंचाओ और उनकी आध्यात्मिक जीवन में भी उनको मदद करो। तो ये जब करने की बात आती है तो व्यवस्थापन जरूरी हो जाता है। लेकिन व्यवस्थापन जो होता है वो इस आध्यात्मिक प्रचार प्रसार का एक सपोर्ट सिस्टम, इसको बढ़ावा देने वाला रचना होनी चाहिए। व्यवस्थापन इतना घमासान नहीं होना चाहिए कि वो आध्यात्मिकता को ही दबोच दे। जैसे कभी कभी हम देखते हैं फंड कलेक्शन, टेंपल कंस्ट्रक्शन, कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इतना ज़्यादा हो जाता है कि भक्तों का ख्याल रखना, उनके व्यक्तिगत ज़रूरतों को देखना, उनको प्रशिक्षण अच्छे से प्रदान करना, वो सब बाजू चला जाता है। उनके आध्यात्मिक जीवन को सुविधा प्रदान करना, वो सब बाजू में रह जाता है। तो ये क्या हो रहा है? व्यवस्थापन जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे हावी हो रहा है। तो उल्टा होना चाहिए, घोड़े के लिए नाल होनी चाहिए, नाल के लिए घोड़ा होना चाहिए। हाँ, तो यू पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट, घोड़े को पहले रखो आध्यात्मिक जीवन, फिर उसके पीछे गाड़ी को लगाओ। वो क्या है? व्यवस्थापकीय प्रशासन। लेकिन दोनों जरूरी होते हैं। तो ये हमें समझना है और इसके अनुरूप कार्य करना है। तो गुरु जो होते हैं इस्कॉन में, उनका कार्य क्या होता है? सोचो अगर कभी ऐसा हो कि गुरु कहने लगे कि ये जो जीबीसी या टेंपल प्रेसिडेंट या तुम्हारे जो जो भी मैनेजरियल हेड, व्यवस्थापकीय वरिष्ठ है, वो जो कह रहे हैं उनको छोड़ दो, तुम मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो, तो शिष्य को कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि वो है तो स्थानीय स्तर पर एक डिवोटी के अंडर, और गुरु कभी कभी आते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, और गुरु ऐसा कोई आदेश देते हैं जो स्थानीय व्यक्ति के विपरीत चला जाता है। जैसे कुछ गुरु होते हैं वे कहते हैं कि तुमको एकादशी को सोचो 64 माला करनी चाहिए, ऐसे गुरु ने आदेश दे दिया। अभी स्थानीय लेवल पे सेवा करने के लिए लोग कम है, होता ना कभी कभी मंदिर में, और वो उधर के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि तुम बाबा 16 माला करो, ज़्यादा से ज़्यादा 25 करो, लेकिन क्या है इधर फिर डेटी सेवा और बाकी सब कुछ चलेगा नहीं, तुम अगर 64 माला करते बैठे तो अभी किसकी बात माननी चाहिए, गुरु की बात माननी चाहिए या प्रशासकीय अधिकारी की बात माननी चाहिए? तो इसके लिए हमको प्रशिक्षण जरूरी होता है कि इन दोनों में समन्वय कैसे करना है, ऐसे नहीं कि झगड़ा लगाना है। आप समझ रहे हो? कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको जो चाहिए वो करते हैं लेकिन आसरा दूसरे का लेते हैं। जैसे अगर गुरु का आदेश अनुकूल है हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए तो उसको पकड़ लेते हैं और ये प्रशासकीय अधिकारी को तंग करते हैं, और प्रशासकीय अधिकारी का अगर कहना ठीक है मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए तो उसको मानते हैं, और गुरु को बोलते हैं कि क्या करूं मैं, इन्होंने ऐसा कहा है तो अभी करना पड़ रहा है, तो उनके बीच में झगड़ा लगाओ। तो ये अपरिपक्वता का लक्षण है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे दूसरा उदाहरण देता हूँ।
प्रशासकीय अधिकारी की जरूरत है कि हर एक भक्त ने, जो हमारा कॉमन प्रोग्राम होता है, सारे गुरु के शिष्य एकत्रित आते हैं, उस दिन को कहीं जाना नहीं चाहिए बाहर, क्योंकि वो साल में एक बार ही होता है और सबको साथ में आना चाहिए ताकि हमारे मंदिर का जो सहयोग है एक दूसरे के साथ वो अच्छा रहे। और उसी समय आकर गुरु अगर कहते हैं मैं धाम यात्रा निकाल रहा हूँ, चलो मेरे साथ, यू नो, तभी शिष्य को क्या करना चाहिए? आप समझ रहे हो समस्या कैसे आती है? तो इसमें परिपक्वता की जरूरत है। हम कैसे इसको डील करेंगे? तो पहला बात है कि हमें कभी भी ऐसी मनोवृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि मैं इसकी भी नहीं सुनूंगा, उसकी भी नहीं सुनूंगा, मेरे मन की सुनूंगा। जो मन की करता है उसको मंकी कहते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे इंद्रिय तृप्ति के अनुरूप चीज ले लेते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें इन दोनों को एक साथ लाना चाहिए और ऐसे बात करनी चाहिए जिससे उनमें झगड़ा ना हो। हम कह सकते हैं कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मंदिर की ज़रूरतें ये हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत जायज़ ज़रूरत है और मेरे गुरु का भी आदेश यह है, मुझे वो भी मंजूर है, मैं करना चाहिए, लेकिन अच्छा होगा अगर हम समन्वय करते हैं, तो इनकी भी जीत होगी, इनकी भी जीत होगी, दोनों को खुश रखना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई अन्य मार्ग है क्या हम देख सकते हैं? तो कहेंगे ठीक है, मैं तो धाम यात्रा का एक दिन तुम मिस करोगे, नो प्रॉब्लम। या वो कहेंगे ठीक है, तुम एकादशी को 64 मत करना, द्वादशी को करना, क्योंकि एकादशी में सारे भक्त 64 करते बैठेंगे तो क्राइसिस हो जाता है। तुम एक अकेला व्यक्ति बाद में करना, कभी उस दिन सेवा करना, जिस दिन बाकी भक्त उपलब्ध है सेवा के लिए उस दिन तुम 64 करना। बात तो हुई ना बराबर? लेकिन ये समन्वय करने की बुद्धि होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी तो समन्वय करेंगे। तो इसीलिए जरूरत है कि इस्कॉन के जो गुरु हैं उनको भी जीबीसी की बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए? क्यों माननी चाहिए जीबीसी की बात? वो ऐसा हो सकता है ना कि जीबीसी जो एक मैनेजरियल बॉडी कह सकते हैं, आध्यात्मिक गुरु तो स्पिरिचुअली एकदम एलिवेटेड व्यक्ति है, अभी ऐसे आध्यात्मिक रूप से बड़े चढ़े व्यक्ति को हम मैनेजरियल लेवल के नीचे डाल रहे हैं, ये क्या बात हुई? आप समझ रहे हो कैसे कर सकता है कोई? क्या लगता है आपको? आप समझ रहे हो मैं क्या प्रश्न पूछा? कोई अगर आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसके जो इच्छाएं होती हैं वो शुद्ध होती है ना, आध्यात्मिक होती है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि तुम्हारे इच्छाओं को तुम ये प्रशासकीय यंत्रणा के इच्छाओं के नीचे रखो? क्या ऐसे कहा जा सकता है? हाँ या ना, पहले वो बताओ। फिर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि गुरु को जीबीसी की बात माननी चाहिए? सरल उत्तर है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीबीसी की बात सबको माननी चाहिए, चाहे गुरु हो नहीं हो। तो प्रभुपाद जी की तो बात सबको माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए? क्या उनसे भी बड़े हो जाते हैं हम आध्यात्मिक जीवन में? तो इसीलिए अगर समन्वय करना है तो हमें जानना चाहिए कि हमारी मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत गंभीरता से, प्रामाणिकता से उस समस्या को देखते हैं और उसको सुलझाते हैं, आसानी से सुलझ जाएगी। तो हमें पहले ये जो सिस्टम है इसके कुछ बहुत विशेष ऐसे परिणाम हैं, या विशेष ऐसे क्या कहेंगे, गुण विशिष्ट हैं, उनको पहले हम देखेंगे। सिस्टम इस्कॉन में होने के कारण क्या हमारे फायदे हो सकते हैं? पहले फायदा है, सबसे बढ़िया वो है कि हर एक भक्त का हर एक दूसरे भक्त के साथ कुछ ना कुछ परस्पर संबंध बना रहेगा ये सिस्टम के कारण। उससे क्या है, साथ में आना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा और मिशन को साथ में ही आगे लेकर जाना पड़ेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है इस सिस्टम का। और हर एक व्यक्ति जो है वो दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी रहेगा, अकाउंटेबल। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपना ही मनमानी कर रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं, ऐसा इसमें नहीं होगा। यहां तक कि जीबीसी तक को, उनको भी रोकने वाला कोई रहेगा। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति उत्तरदायी है। तीसरा, सब कुछ एक गुरु के ऊपर निर्भर नहीं है। आप सोचो किसी गुरु के 1000 शिष्य हैं और उनको कोई सपोर्ट ही नहीं है उनका ख्याल रखने में, ना मंदिर है,
जहाँ वो भक्तों एंगेज कर सकते हैं सेवा में, ना उनको मार्गदर्शन देने वाले कोई अन्य शिक्षा गुरु है, ना उनको प्रसाद फेस्टिवल्स ये जो मूलभूत भक्तिमय ज़रूरतें होती है उनको प्रदान करने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, केवल गुरु है शिष्य। वो गुरु के ऊपर कितना लोड आएगा उस चीज़ का। तो आप मानते हो कि जो मंदिर होता है स्थानीय मंदिर, वो बहुत बड़ा जिम्मेदारी लेता है हमारे आध्यात्मिक जीवन को बरकरार रखने में? बहुत बार तो वहीं पर हमारा भरण पोषण होता है आध्यात्मिक जीवन का। तो ये दोनों सिस्टम जरूरी है, व्यवस्थापकीय प्रशासन जिसके द्वारा नियमित जो भक्ति के कार्य हैं उसमें कोई बाधा नहीं आए, और प्रेरणादायी व्यक्तित्व गुरु के जैसे जो हमारे भक्ति को और उन्नत करने में हमारी मदद करते रहे। वन इज फॉर मेंटेनेंस, अनदर इज फॉर इंस्पिरेशन, और बढ़ावा देने के लिए। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके गुरु आपके व्यक्तिगत प्रेरणा स्थान तो है ही, उसमें कोई खोट नहीं, लेकिन साथ ही में और भी बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, आपको मदद करने वाले प्रणालियां हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन को बहुत आसान बना सकते हैं। और एक चीज है कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा, संरचना के द्वारा, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें संघ शक्ति का बढ़ोतरी होती है। संघ शक्ति जानते हो, संघ शक्ति कलौ युगे, हाँ कलयुग में हम एकत्रित आकर जब कोई कार्य करते हैं उसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। तो प्रसार करने में, संघटना करने में ये हमारी जो शक्ति है इसका बहुत सदुपयोग हम कर सकते हैं इस संरचना को अगर हम अपनाते हैं। तो हमारे जो गुरु भी होते हैं, हमने जैसे कल चर्चा की थी ऋत्विक के बारे में, है ना, कि वो क्यों ऐसे हो गया, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि गुरुओं का पतन हो गया, या गुरु ने अनुल्लेखनीय उदाहरण या कार्य प्रस्तुत किए, या उन्होंने शिष्यों का ख्याल रखना उतना अच्छे से नहीं किया, इत्यादि इत्यादि। तो अगर गुरु के भी कोई गुरु भाई हैं, गुरु के भी कोई वरिष्ठ है, अगर उनको कुछ समस्या होती है उनके जीवन में, तो उनको भी चर्चा करने के लिए कोई है, मार्गदर्शन देने के लिए कोई है, तो कितना अच्छा होगा। ऐसे नहीं कि ही इज़ द क्या कहते हैं लोनली एट द टॉप, वो अकेले हैं और कोई मदद करने के लिए नहीं। तो ये और एक फायदा है इस संरचना का। एक और चीज है, अगर गुरु पदभ्रष्ट हो जाए, मतलब वो प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन करना छोड़ दे, या इस्कॉन की संस्था के अनुरूप कार्य करना छोड़ दे, तो अगर वो इस स्ट्रक्चर के अंदर है तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है वो पदभ्रष्ट हो चुका है, और उसको हम निष्कासित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि गुरु का सर्वस्व अधिकार है अपने शिष्य के ऊपर। तो अगर वो पदभ्रष्ट भी हो रहा है तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है शिष्य के लिए। तो इसीलिए हम अगर गंभीरता से सोचेंगे कि कलयुग में संन्यास वर्जित था, चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद इत्यादि ने वापस लाया उसको, लेकिन इन जनरल कहा जाता है कि संन्यासम पल पैतृकम कलौ पंच विवर्जयेत, इनको टालना है। तो अगर संन्यास लेना इतना कठिन काम है, गुरु बनना तो और भी कठिन काम है कलयुग में। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए बहुत सतर्कता की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत है, निष्णात होना चाहिए व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में, तभी इस जिम्मेदारी को वो कर पाएगा। तो ये कैसा सिस्टम है, इसमें एक सुसूत्रता है कि हरेक को अपने अपने लेवल पर मदद मिल रही है, और हरेक को अपने अपने लेवल पे उत्तरदायित्व है, कोई भी गैर जिम्मेदार काम नहीं कर पाएगा। और इसीलिए इस संरचना को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। तो इस्कॉन गुरु की मनोवृत्ति के अंतर्गत कुछ कोट्स दिए हैं वहां पर, श्री प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, वे श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपने वचनों और आचरण के द्वारा सिखाने में पारंगत हो, परंपरा तथा श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं, दीक्षा गुरु आध्यात्मिक निर्देश प्रेरणा प्रथम दीक्षा तथा आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं,
तथा इसके उपरांत ब्राह्मण दीक्षा देकर शिष्य को श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा का एक योग्य सेवक बनाते हैं। तो ये जीबीसी का वक्तव्य है प्रभुपाद के पद के विषय में। इसके आगे है चैतन्य चरितामृत आदि लीला का एक भाग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रशासनिक कमेटी। अपने तिरोभाव के समय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया था कि प्रचार कार्य को सहयोग पूर्व जारी रखने के लिए वे सब मिलकर एक प्रशासनिक कमेटी का गठन करें। उन्होंने किसी एक भक्त को अगला प्रमुख आचार्य बनने का निर्देश नहीं दिया, परंतु उनके मरणोपरांत तुरंत ही उनके मुख्य सचिवों ने आचार्य पद हथियाने की योजना बनाई और अगला आचार्य कौन होगा इस पर सहमति न बनने के कारण वे दो दलों में बट गए। परिणाम स्वरूप दोनों ही दल असार अर्थात व्यर्थ थे, क्योंकि गुरु की अवज्ञा करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था। अगला वाला, गुरु तथा इस्कॉन प्राधिकारियों के निर्देश। श्री प्रभुपाद का अनुसरण किंतु जीबीसी की अवज्ञा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हवाई में, जब वे कहते हैं कि वे इस्कॉन या जीबीसी को नापसंद करते हैं तो वास्तव में उनका मंतव्य है कि वे मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते। इसका अर्थ वे मेरी आज्ञा को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ उन्हें मेरी आज्ञा पर विश्वास नहीं, अर्थात उन्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं। यह गुरु अपराध है। यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल ढोंग या मिथ्याचार है। सोचो प्रभुपाद कहते हैं, तो पहले प्रभुपाद कह रहे हैं मैंने बनाया है जीबीसी को, मैं बोल रहा हूं तुमको, अपरिपक्वता होगी लेकिन फिर भी जो भी प्रामाणिकता के साथ ये लोग कार्य कर रहे हैं उनका जो सामुदायिक निर्णय क्षमता है वो ज्यादा अच्छी रहेगी मेरे बाद अगर मैं किसी एक को बना दूंगा उससे। इसलिए मैं अगर तुमको कह रहा हूं कि इनको फॉलो करो तो तुमको फॉलो करना चाहिए। अगर तुम कहते हो प्रभुपाद को मानता हूं लेकिन जीबीसी को नहीं मानता तो तुम ढोंग कर रहे हो, ऐसे प्रभुपाद बोलते। ठीक, इस्कॉन के बाहर के गुरु। अभी एक नया सत्र शुरू होने वाला है। कभी कभी ऐसे होता है कि इस्कॉन के बाहर के गुरु, मतलब अलग अलग कैटेगरी है। पहला तो है कि गौड़िया मठ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चालू किया, प्रभुपाद उसके ही सदस्य थे। बाद में उन्होंने इस्कॉन स्वतंत्र रूप से इसलिए शुरू किया क्योंकि उनके गुरु भाई जिनसे वे चाहते थे समन्वय करके उनकी सेवा करें, वे अपने गुरु का आदेश पालन करना ही छोड़ दिया। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पर बताया है जीबीसी बनाने की प्रक्रिया या इत्यादि जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था उन्होंने वो कहीं किया नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की संस्थापना की और इस्कॉन का प्रचार बहुत बढ़ गया तो उसके बाद क्या होने लगा कि इस्कॉन के प्रचार को देखकर बहुत सारे अन्य गौड़ीय वैष्णव तथा अन्य वैष्णव संप्रदाय जाग उठे। उनको दिखाई पड़ने लगा कि ये प्रचार कार्य में पोटेंशियल है, इसमें दम है, अगर हम करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन एक समस्या थी, वो समस्या ये थी कि नए, क्या कहते हैं हम, अपरिपक्व पतित जीव को भक्ति के स्तर तक, जैसे 8 माला 4 माला 16 माला उधर तक लाना, इसमें बहुत शक्ति डालनी पड़ती है, आप सबको पता है। लेकिन एक बार वो वहां पर आ गया तो उसको दीक्षा देने का काम तो कोई भी कर सकता है, वो आसान होता है। तो बहुत बार ऐसा होने लगा कि इस्कॉन करे मेहनत और मेवा खाए हम। ऐसी मनोवृत्ति आने लगी। तो कभी कभी, चाहे हम ऐसे नहीं कहेंगे सारे के सारे वैष्णव संप्रदाय या गौड़ीय वैष्णव मठ खराब है, हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन बहुत बार ऐसे देखा गया कि उनमें से कुछ लोग जानबूझकर इस्कॉन के गठन में आकर जो नौसिखिए फॉलोअर्स हैं उनको उठा लेते थे। उनको कहते थे तुम्हारे प्रभुपाद जी तो अभी गुजर गए, उनके बाद तो कोई अभी शुद्ध भक्त बचा नहीं, तो तुम हमारे पास आओ, हमारे पास बहुत सारे शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद के ही गुरु भाई है, बहुत वरिष्ठ है इत्यादि इत्यादि, तो तुम हमारे पास आकर दीक्षा ले लो। तो ये कैसा काम है, मेहनत करें इस्कॉन। हम ये नहीं कह रहे कि तुम शिष्य मत बनाइए,
आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आइए प्रचार के क्षेत्र में, आप भी हमारे साथ जुटिए, हम चाहिए तो आपको मदद भी करेंगे, सारे मटेरियल्स देंगे, या फिर उसके बाद आपके व्यक्तिगत जब शिष्य बनेंगे आप उनको दीक्षा दीजिए, कोई संबंध कोई कोई सवाल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता था, तो इसी के कारण ऐसा होने लगा कि कभी कभी ऐसे जो भक्त हैं अन्य इस्कॉन के गुरु, या इस्कॉन को छोड़कर बाहर के जो गुरु या उनके शिष्य, वे इस्कॉन में आकर लोगों को भ्रमित करने लगे। वो कहने लगे कि आपके यहाँ देखो हमेशा साधना भक्ति के बारे में ही क्लास देते हैं, भाव भक्ति प्रेम भक्ति के बारे में कभी चर्चा होती ही नहीं है, और आगे जाकर तुमको ये सब स्तर प्राप्त करें तो पता तो होना चाहिए होता क्या है। हमारे गुरुजी देखो वो इतने धमासान लेक्चर देते हैं तुम्हारे स्वरूप के बारे में, राधा कृष्ण के लीलाओं के बारे में, तुमको क्या पता है, तुम तो अभी तक नौसिखिए के नौसिखिए बने बैठे हो। और वो कहते थे कि तुम तो 16 माला, उसके आगे तो तुम्हारी गाड़ी जाती नहीं, गिरते पड़ते मरते 16 माला हो जाते, और बाकी टाइम तुम सब सेवा करने में लगाते हो, प्रचार करो ये करो, तुम्हारा हृदय शुद्ध है क्या उतना? तुम सेवा करने जा रहे हो, प्रचार करने जा रहे हो, शांति से एक जगह बैठो। चैतन्य महाप्रभु कहा है लखपति है उसके घर में मैं खाऊंगा, इसका मतलब 64 माला करनी चाहिए। तो ऐसे भी कुछ लोग कहते थे, तो हमारे कुछ इस्कॉन के भक्त एकदम अचंभित हो गए, संभ्रमित हो गए, उनको लगने लगा अरे शायद ये भी पद्धति है, कोई और आके कहने लगे इस्कॉन भक्तों को कि आपके गुरु को पता है क्या उनका स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में, गोप है गोपी है बछड़े है गाय है कौन है वो? और आपको उन्होंने बताया है आप कौन हो? उसको सिद्ध प्रणाली कहते हैं। सिद्ध प्रणाली मतलब आपके दीक्षा के समय आपके गुरु आपको बताएंगे तुम आध्यात्मिक जगत में एक मोर हो, फिर तुम्हें उसके जैसे गतिविधियों को सीखना चाहिए, और तुम्हारा वेशभूषा क्या है, तुम्हारा कार्य क्या है, भगवान की कौन सी सेवा करते हो, ऐसे 8 चीजों का वर्णन तुमको वो बताएंगे। फिर जब वो पता चलेगा तो उस साधना को तुमको करना है, तब जाके तुम्हारा सिद्ध देह तुमको प्राप्त होगा। अगर ये तुम नहीं कर रहे हो और ये बैठ के हरे कितना ये करने से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तो हमारे भक्त लोग डर जाते थे, उनको लगता था मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गड़बड़ कर रहा हूँ। कुछ लोग ये भी कहा इतना तक अपराध करते थे, वो कहते थे कि तुम्हारे प्रभुपाद जी ने सब कुछ तुमको दिया ही नहीं है, जैसे जीसस क्राइस्ट कहते ना आई हैव सो मच टू टेल यू बट आई कांट टेल यू बिकॉज यू डोंट हैव स्ट्रेंथ, तुम्हारे पास अकल ही नहीं उतना समझने की, तो हिप्पी लोगों को प्रचार करके कितना दे सकोगे ज्ञान, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने सब कुछ नहीं दिया है तुमको, हमारे गुरु के पास आओ वो और भी तुमको बताएंगे ये सिद्ध प्रणाली होती क्या है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे सिद्ध प्रणाली का मंत्र कौन सा है, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इसको पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति अपने सिद्ध देह को देख नहीं सकता, तो पहले तुम अपने साधना भक्ति को करो, फिर इन गुणों का विकास करो, फिर आगे की बात बोलेंगे हम। जैसे कोई छोटी बच्ची है माँ को अगर आकर पूछती है ये बच्चे का जन्म कैसे होता है पेट में थोड़ा बताइए, तो माँ क्या कहेगी? अगर वो पूछती है स्त्री गर्भवती कैसे होती है, तो माँ क्या कहेगी? अभी के लिए नहीं है ये, बाद में, अभी तुम अपना अपना रोज का पढ़ाई करो, है ना? तो ऐसे ही आप अगर जाकर ऐसे चीजों में घुसना चाहते हैं आध्यात्मिक जीवन में जिसका हमें कोई सरोकार नहीं, और पता चलने से भी क्या होने वाला है, हमारे अनर्थ तो ऐसे ही है, हमको पता भी किसने बोल भी दिया कि तुम्हारा सिद्ध देव मोर का है तो क्या होने वाला है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो अनर्थ है वैसे के वैसे ही रहते हैं, रोज सुबह उठते नहीं हम लोग, माला करने में तकलीफ होता है। तो ऐसे देखिए अचानक कुछ बदल होने वाला है, जब तक अनर्थ निवृत्ति पूरी नहीं होती तो निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम वो स्तर तो आने वाले नहीं है। तो ये सारी जो है चीजें होने लगी इस्कॉन के अंतर्गत। कभी कभी ऐसा भी होता था कि लोग आकर इस्कॉन के कैंप में आकर लोगों को पकड़ कर लेके जाते थे दूसरे भागवतम क्लास में वृंदावन में, और उनको बोलते थे इनसे सुनो थोड़ा ज्ञान होगा तुम्हें, तो हमारे भक्त भी सुनते थे अरे वो तो राधा कृष्ण की लीला बोलते हैं आंसू बहाते हैं और इतना सारा घमासान वर्णन होता है आध्यात्मिक जीवन का इत्यादि, हमारे इस्कॉन में तो इतना कुछ नहीं होता है, हमारे इधर तो बोलते हैं देही नोस्मिन यथा देहे नो बेसिक चीज चलता रहता है हमेशा। या कुछ लोग कहते थे कि अरे इनके तो ये नो, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि तुम पुस्तक वितरण करना प्रचार करना बंद करो, वो हमारा मेन काम नहीं है, हृदय को शुद्ध करना हमारा मेन काम है, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा बाद में प्रचार करना। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको अनुमोदन नहीं किया है, प्रभुपाद जी ने कहा है इन गिविंग अदर्स यू रिसीव, तुम जितना लोगों को कृष्ण भावना देने में जुट जाओगे
उतना तुम कृष्ण भावना भावित स्वयं हो जाओगे। तुम अगर निर्जन भजन करने जाओगे तुम्हारे सारे अनर्थ ऊपर आएंगे और तुमको भक्तिमय जीवन से खींच कर बाहर लेके जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम भक्तों के समुदाय में रहो, प्रचार कार्य करो, चार लोग तुम्हें देखे तुम उनको देखो और तुम सतर्क रहते हुए सारे अनर्थ निवृत्ति के स्तर को पार करो। आगे जाकर तुमको जो चाहिए प्रभुपाद लिखते हैं उपदेशामृत के शुरुआत में, केवल तुम्हें गोस्वामी बनने का प्रयास करना है और सात्विक जीवन जीने की आदत डालनी है। आगे जो भी जरूरत है तुम्हारे आध्यात्मिक भक्ति के लिए वो सारा तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकाशमान होगा। सब चीज एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली रिवील्ड, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। तो क्या प्रभुपाद जी ऐसे गुरु हैं जो हमको सब कुछ नहीं देना चाहते हैं या देने के काबिल नहीं है? क्या हम ऐसे कह सकते हैं? इतना सारा उन्होंने जो प्रचार किया तो ये अपराध के समान है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम इस्कॉन के अंतर्गत जब भक्ति कर रहे हैं तो कभी ऐसे कोई अन्य प्रभाव आते हैं हमारे ऊपर कि लोग आकर कुछ ऐसे अन्य चीज़ों को कहते हैं जिसके कारण हमें संभ्रम होता है कि अरे इस्कॉन में मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति ही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ इत्यादि। तो हमें समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा विरोधी विषय भक्ति में बाधक, ऐसे हम विचार श्रेणी को पकड़े हुए हैं। और इसीलिए जो बाहर से आकर इस्कॉन में उनका प्रचार बोलना चाहते हैं उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं इस्कॉन के प्राधिकारियों के द्वारा। वे नियम क्या है वो हम अभी देखेंगे। इस्कॉन के बाहर के गुरु, अभी प्रभुपाद जी ने हमसदूत को एक पत्र लिखा था, उसमें कहते हैं परंपरा से बाहर किसी से श्रवण ना करें, अच्छा हो कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्ति से श्रवण करें जैसे कि आपके आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी गुरु भाई। परंतु परंपरा क्रम से बाहर के व्यक्ति से कभी श्रवण न करें। ऐसा श्रवण करना और फिर उस भूल को सुधारना समय का अपव्यय है। हम देखते हैं इस्कॉन में भी कभी कभी भक्त लोग होते हैं वो ऐसे ही लता मंगेशकर, अनूप जलोटा, इनके भजन लगाकर सुनते रहते हैं, या मतलब ये तो इतना बड़ा पतन नहीं मानूंगा लेकिन फिर भी वो कुछ बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है ऐसा भी नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब तक व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना शुद्ध नहीं होती उसके द्वारा प्रदत्त शब्द ब्रह्म जो आध्यात्मिक ध्वनि है उसमें वह शक्ति नहीं होती कि वह हमारे हृदय को परिवर्तित करे। कोई गा रहा है कोई भजन लेकिन वो दारू पीकर गा रहा है तो क्या हमारे हृदय में परिवर्तन आएगा? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अधिकृत व्यक्तियों से ही श्रवण करें जितना हो सके उतना। हमारे पास इतना ही समय है मरने के पहले, उसमें इतनी सारी चेतना की शुद्धता लानी है और हमारे पास टाइम की तरह वेस्ट करने के लिए ये सुनो वो सुनो, यहाँ फलाना ढिमका, उनका सुनते सुनते जीवन निकल जाएगा और प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए समय ही नहीं रहेगा। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, अधिकृत व्यक्तियों से ही श्रवण करना चाहिए। कभी कभी भक्त लोग सारे आस्था चैनल, संस्कार चैनल सब खोल के बैठ जाते हैं, इनका क्या मत है, उनका क्या मत है, अरे इनका तो मत कुछ अलग ही है और ये कितने मूर्ख है देखो, इनका तो मत ही नहीं है। अब तुमको क्या करना है, तुम अपने गुरु के द्वारा दिए हुए बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिनको कुछ काम धाम नहीं है, उद्दिष्ट नहीं है, उनके ऐसे मति हजार दिशा में बहती रहती है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है त्वयी मे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदनवती। हे भगवान मेरी मति जो है केवल आपकी तरफ जाती रहे जैसे गंगा बहती है समुद्र की तरफ, दूसरा कोई व्यवधान नहीं चाहती। गुरु के आदेश को सुनना और उनके आदेश को पालन करना, इसके द्वारा ऐसी मति व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कृपया उनसे दूर रहें। मुझे आपका पत्र मिला जिनमें एक महाराज का उल्लेख है, अतः मैंने आदेश दिया है कि मेरे सारे शिष्य मेरे गुरु भाइयों से दूर रहे। प्रभुपाद कह रहे उनके साथ कोई लेन देन पत्राचार आदि ना करें, ना मेरी कोई पुस्तक उन्हें दें, ना उनकी पुस्तकें खरीदें, नहीं आपको उनके मंदिर में जाना चाहिए, कृपया उनसे दूर रहे। ये ऐसे क्यों कह रहे थे प्रभुपाद जी? क्योंकि उस समय कुछ प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे वो प्रभुपाद जी के शिष्यों के मन में प्रभुपाद जी के प्रति अनास्था, अनादर, अश्रद्धा उत्पन्न करने में लगे थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि तुम उनके साथ बिल्कुल
संग नहीं करना, और उन्हें प्रसाद दें, ज्येष्ठ वैष्णव की तरह आदर करें, लेकिन वो प्रवचन नहीं दे सकते मंदिर में। सभी वैष्णव कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के अधिकारी होते हैं, परंतु अधिकार के भी चरण होते हैं, कनिष्ठ अधिकार, मध्यम अधिकार, उत्तम अधिकार। मोटे तौर पर यदि इन महाराज का उद्देश्य मुझे दबाना है, मतलब प्रभुपाद जी के स्थिति को कम कराना है, तो हम इनका स्वागत कैसे करें? वे पहले ही एक प्रोफेसर पर गलत प्रभाव डाल चुके हैं, उन्हें एक अतिथि माना जाए, यदि वे हमारे मंदिर में आए तो उन्हें प्रसाद दें, एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह उनका आदर करें, परंतु प्रवचन वे नहीं कर सकते। यदि वे प्रवचन देना चाहें तो आप उनसे कह सकते हैं कि वक्ता पहले से निर्धारित है। बस, तो आपको क्या समझ में आया जरा बताइए, अभी तक मैंने बहुत कुछ बोल दिया शायद। क्या क्या समझ में आया आपको? यस यस यस। कभी कभी लोग इस्कॉन को चिढ़ाते भी है, ये इस्कॉन वाले इतने इस्कॉन करते हैं ना, इस्कॉन इसके जैसा कौन, यू नो। तो ये आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे ना, वहां पे एक दीवार खड़ी की जाएगी और उसके अंदर इनको रखा जाएगा, बोले सब इस्कॉन वाले इधर ही रहो, तुमको तो और कुछ चाहिए नहीं। लेकिन हालांकि वो ऐसे कहते हैं, एक दृष्टि से हमारा गर्व है कि हम केवल प्रभुपाद को मानते हैं, उनके ही शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उनके ही चरण चिन्हों पर चलते हैं। अगर हमको कोई उल्लू भी गए, मूर्ख भी गए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अन्य संप्रदाय गलत है या उनकी शिक्षाएं गलत हैं। जो वैष्णव संप्रदाय ठीक है, लेकिन उनके गुरु को वे जैसे पालन कर रहे हैं जैसे हम हमारे गुरु को पालन कर रहे हैं, इतना ही हमारा मनोभाव होना चाहिए। ना हमें उनका अनादर या अपराध करना चाहिए, ना हमें उनके जैसे बनने का प्रयास करना चाहिए। हम अपना अपना काम करना चाहिए। ना इधर मराठीत म्हणतात एक ना धड़ भारावर चिंध्या। एक एक करो तो ढीक से करो, हजार चीज लेकर करोगे क्या तुम अपने जीवन में? ठीक है, थैंक यू, यू गॉट द पॉइंट। अभी यहां पे बहुत सारे अन्य कोट्स दिए हैं अतिरिक्त उद्धरण के नाम पर, इस्कॉन में गुरुवृंद का कैसे कार्य होना चाहिए, वो आप होमवर्क के रूप में कर सकते हैं। आप उसको पढ़ लीजिए घर पर जाकर गंभीरता से, और अगर आपको कुछ प्रश्न आए या समझ में नहीं आए तो आप मुझे आकर वापस पूछ सकते हैं। अन्य किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन, प्रश्न पूछिए। यस प्रभु जी, जोर से बोलिए। अच्छा, ब्राह्मण दीक्षित भक्त के घरों में भी टीवी होता है? ये तो बड़ा प्रश्न उठाया आपने अभी। अंत के समय क्या प्रभुपा जी ने टीवी को अनुमोदन दिया है? आपको क्या लगता है? तो कुछ लोग कहते हैं कि टीवी का जो है वो सदुपयोग भी हो सकता है ज्ञान वृद्धि करने में, और खास करके आध्यात्मिक सीरियल देखने में, जैसे प्रभुपाद जी के बारे में भी एक सीरियल आता था, कृष्णा के बारे में सीरियल आती थी, महाभारत आता था, रामायण आता था, तो इसीलिए हम बच्चों को थोड़ा दिखाना चाहते हैं तो इसलिए टीवी रखा हुआ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अगर आप मेरा व्यक्तिगत मत पूछेंगे तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि टीवी जो है वो पूतना का दूसरा रूप है। दिखने में बहुत आकर्षक है लेकिन विष पिला देती है बच्चों को, कृष्ण भावना से दूर लेकर जाती है, और आत्महत्या करने में, मतलब आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त करती है। 99% जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे सेक्स और वायलेंस उसके ऊपर आधारित होते हैं, कृष्ण भक्ति का तो लवलेश होता नहीं। और टीवी में से कुछ अच्छा निकालना, ये ऐसा है जैसे कूड़े के ऊपर कोई आइसक्रीम गिर गया हो तो उसको वापस निकाल कर फिर साफ करके खाने के जैसा है। वो ऑलरेडी इतना गंदा है कि उसमें से वो वापस निकाला हो नहीं सकता। तो पूतना जो फॉल्स गुरु का प्रतिनिधित्व करती है ना, मिथ्या गुरु, तो आजकल वो टीवी बन चुका है। वो सारा पट्टी पढ़ा रहा है लोगों को, कैसे क्या पहनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, सब प्री प्रोग्रामिंग चल रहा है उनके द्वारा। और ऐसे व्यक्ति जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं, एक जगह बैठकर एक माला करने के लिए भी उनको
एकाग्रता नहीं होती। तो इसीलिए हम मानते हैं कि उसका कोई सदुपयोग कर सकता है, लेकिन उसके अंदर उतना आत्मसंयम भी चाहिए। और गुरु के आदेश अगर है उनको कि आप ऐसे कर सकते हो, या उनके प्रशासकीय प्राधिकारियों का निर्देश है कि आप रख सकते हो, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर वह अपने ही इंद्रिय तृप्ति के लिए रख रहे हैं और बच्चों का नाम लेके उसको क्या कहते हैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि यू नो क्या करें, बच्चे आजकल मांगते ही है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। तो अभी टीवी तो एक बात हुई, वैसे इंटरनेट है, फिर रेडियो मिर्ची है और बहुत कुछ है। तो ऐसे बात करने लगे तो कलयुग में डिस्ट्रैक्शन का कोई कमी नहीं है। उनको कहते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। एक होता है मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दूसरा होता है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। बहुत घमासान जनता को कृष्ण भावना से पदभ्रष्ट कैसे किया जाए एक साथ, उसके लिए यह सब निकाला हुआ है कलयुग के द्वारा प्रोडक्ट्स। तो बहुत आत्मसंयम चाहिए, गुरु के निर्देश चाहिए, और व्यक्ति भी बहुत गोल ओरिएंटेड चाहिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि वाला। तो इन सब चीजों को हम भक्ति में यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम उस स्तर पर हैं, वो प्रश्न हमें व्यक्तिगत रूप से सुलझाना पड़ेगा। पहले भारत में हम देखते थे कि कैसे टीवी किसी के घर पे नहीं था और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, महाभारत रामायण देखने जाते थे शाम को, कहीं नौटंकी होती थी इत्यादि, और आके घर पे कृष्ण की चर्चा करते हुए सो जाते थे। अभी टीवी आया तो कोई खरीदने को तैयार नहीं था भारत में, तो उन्होंने क्या किया, टीवी पर रामायण चालू किया। और मुझे याद है मेरे समय में टीवी पर रामायण चालू होने के कारण भारतवासियों ने सारे टीवी खरीदा। तो जैसे रावण आया ना सन्यासी के रूप में, ओम भवती भिक्षाम देही, तो सीता माता तो एकदम भोली भाली थी, उसको कुछ पता नहीं है राक्षस है, ऐसे टीवी भी आ गया, रामायण दिखा रहे हैं, तो भारतवासियों ने ले लिया उसको अंदर। फिर उसने अपना सारे 1000 चैनल प्रकट किए, और जो तमाशा दिखा रहा है आजकल, कहाँ रामायण कहाँ कृष्ण, वो तो कहीं दूर कोने में, इनका अलग ही कुछ चल रहा है। तो ये भक्तों का काम नहीं। लेकिन अगर आपके व्यक्तिगत अधिकारी गुरु इत्यादि आपको आदेश देते हैं तो अलग बात है, आप उनसे पूछ के कर सकते हैं। अभी हम विराम देंगे, आप व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।